ओके, ये हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था. सो काइंड ऑफ द होटल स्टाफ. डियर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, इज इट टिफिन? प्लान किया था 11 बजे निकलने का, राइट नाउ इट्स 11:26 एंड द रीजन वी आर लीविंग इन द नाइट इज बिकॉज हम लोग जा रहे हैं अभी इंदौर. तो नॉन स्टॉप रात को इंदौर मारने में कोई तकलीफ नहीं होगी. हालांकि जो मुंबई का पार्ट है, मुंबई नासिक तक पहुंचने को थोड़ा टाइम लगेगा. वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. हैप्पी बाय इज नॉट जॉइनिंग अस, ही जस्ट कमिंग टू से गुड बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइव. हम लोग मिलेंगे कुछ दिनों बाद. एंड वी हैव ऑफिशियली लेफ्ट और मम्मी को भी बाय बाय सब बोल दिया है. मेरी मम्मी हमको बहुत मिस करी, कैसा बोल रहा था. मम्मी बोली यार अभी आए थे, अभी जा रहे हो, बट क्या करें. और हम लोग जल्दी इसलिए जा रहे हैं बिकॉज मेरा और शानिस का ये फर्स्ट ट्रिप है. सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज दैट वी विल गो लिटिल अर्ली, एक अ वीक अर्ली एंड वी विल हैव आवर ओन टाइम ओवर देयर. अच्छा सा होटल बुक किया है, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या. शानिस सो जाएगी थोड़ी देर में और मैं चला जा रहूंगा. तो अभी क्या थकी हुई, नया ब्रेक पैड है ना, तो इतना फट से लग नहीं रहा. नया ब्रेक पैड को थोड़ा लगता है टाइम 40-50 किलोमीटर घसने के लिए. तो अभी बस मैं गाड़ी को ठोकते रोकते रह गया बिकॉज आई एम यूज टू ब्रेकिंग द कार. थोड़ा समझ गया ना आप, मुझे लगा था रास्ता पूरा खाली रहेगा. ऐसा दिमाग का दही पापड़ समोसा हुआ है ना बॉस, इतनी ज्यादा भयंकर ट्रक ट्रैफिक मैं बता नहीं सकता. अभी तक मैंने कितना चलाया, सिर्फ अपने घर से 43.5 किलोमीटर ही कर पाया इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर. रात में ट्रक वाले इतना हुल लेके चला रहे ना, मतलब अभी ठोक देंगे मेरे को. तारा घाट तक की बात है, उसके बाद थोड़ा पूरा खाली मिलेगा मुझे. ऑलराइट, सो वी हैव टेकन आवर फर्स्ट ब्रेक आफ्टर 89 किलोमीटर्स बिकॉज शानिस को दोनों को वॉशरूम जाना था. पहले शानिस जाएगी फिर मैं जाऊँगा. मौसम बहुत ठंडा है, ट्रक ट्रैफिक जा चुकी है. होपफुली अभी अपनी स्पीड मेंटेन होगी. कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है विच इज़ अ गुड थिंग. और शानी से मुझे अभी रिंग पहना दी, बोले पहना कर, बोले ठीक है पहनूंगा. अभी जब बाहर से अंदर आओ तब समझ में आता है कि बाहर कितना ज़्यादा ठंडा है. शानी व्हेन आर यू प्लानिंग टू स्लीप? 110. आई विल गिव यू समथिंग. नो इट्स ओके, बट व्हेन आर यू प्लानिंग टू स्लीप? लेट्स सी, आई डोंट नो, आएगा नहीं तो यहाँ पे रिक्लाइन करके सो जाऊंगा. ड्राइविंग में बहुत सारे ड्राइवर लोग का क्या सीन रहता है कि गाड़ी में कोई भी सोना नहीं चाहिए. तो एक बंदा एटलीस्ट जाके रहना चाहिए, मेरा उल्टा है. जब सब आराम करते हैं, इन माय केस सिर्फ शानिस है, तब जाके मेरा असली परफॉर्मेंस निकलता है ड्राइविंग को लेके. अभी गाड़ी चालू करते हैं और फिर निकलते हैं. नो, इफ यू वांट टू स्लीप देन स्लीप. गुड मॉर्निंग. सो शानिस स्लेप्ट फॉर गुड हाफ एन आवर, शी वांटेड टू रेस्ट. मुझे लगा कि 2-3 घंटा सोएगी, लेकिन आधे घंटे में उठ गई, उसकी नींद उड़ गई. बोलती कि मुझे आई गॉट माई पावर स्लीप. एंड आगे की सीट पे अपेरेंटली शानिस बोलती कि अच्छी नींद आती है. अभी शानिस टिफिन बना के लाई थी, डोसा हमस और योगर्ट वोगर्ट सब कुछ. ना थोड़ा मुझे भूख लगी है, अभी उतर रहा सुसू करने के लिए, तो उसका थोड़ा पेट खाली हो गया. और वाला भाई कुछ डोसा या फिर जरा हमस निकाल वो खाएंगे. और अभी हमने कर दी 220 किलोमीटर, ट्रैफिक एकदम खत्म हो गई ना के बराबर है. और गाड़ी जो है एकदम मक्खन स्मूथ चल रही है. और अराइवल टाइम जो पहले था 10:35, अभी हो गया है 9:10, क्योंकि रास्ता खाली है, मैं इतना भगा नहीं रहा हूँ. 120-110 वही मेंटेन कर रहा हूँ भाई. वो हमस खाया और डोसा खाया, मज़ा आ गई. हल्की हल्की आग भारी हो गई क्योंकि वो हैवी खाया ना. लेकिन मेरी वाइफ ने देखो क्या निकाला, क्या ये जिंजर लेमन हनी टी गर्मा गर्म बना के लेके आई थी बॉस. तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं. पकड़ जरा शानिस, ये पकड़ कैमरा पकड़. और ये देखो इस तरह हम अपना टीम वर्क दिखा रहे हैं. हाँ, अभी स्पीड पे कराएगा. लेकिन देखना हाथ नहीं ला. ये कमाल है, अपना हाथ का गिम्बल का और एयर सस्पेंशन का. How's it tasting, what? Amazing, bloody cafe. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैं अच्छा बनाती हूँ बहुत. भाई ये तो 1000 टाइम बेटर था चाय उस जो मैं ऑर्डर करता था. और ये देखते देखते सुबह हो गई और हम लोग इंदौर पहुंच भी गए. अभी इंदौर क्रॉस कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है होटल, फटाक से पहुंच जाएंगे. हुआ कि होटल वाले अर्ली चेक इन के लिए मान गए, वरना भाई साहब दिक्कत हो जाती. और एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंचे. राइट नाउ 6:45 इन द मॉर्निंग. अभी थोड़ा रॉन्ग वे मारने को, रॉन्ग वे नहीं है, सर्विस रोड, तो अपन जा सकते हैं. अभी बाय द वे हम चेक इन करेंगे, रूम में जाएंगे, 7:30 हो जाएंगे और शायद ब्रेकफास्ट भी खुल जाएगा. तो ब्रेकफास्ट जो है दबा के अपन सो जाएंगे. सो फार सो गुड. अब भाई गाड़ी लेके आए इतने बड़े होटल में, यहाँ पर बाइक ना चलती भाई साहब. अरे चलती ऐसा नहीं, बट थोड़ा गाड़ी में आने को अच्छा भी लगता है यार. इतना बड़ा महलफुल अरबी वाला होटल लग रहा है यार. सही जा रहे हैं हम लोग यार, तो समझ नहीं आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि वी जस्ट केम टू कतर और अबू धाबी. ब्यूटीफुल सी शो, सो ब्यूटीफुल होटल मैन, वेरी ब्यूटीफुल लग्जरियस ग्रैंड होटल है. आपको अभी नहीं, अभी प्रॉपरली अंदर घुसने के बाद बताएंगे कहाँ जाना है भाई. तो पार्किंग है लेकिन लॉबी किधर है? ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगा जैसे कि हम अबू धाबी या दुबई आ गए. ये है ना लॉबी. हाँ ये दिस इज द लॉबी.
एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बॉस इंदौर बहुत ज़्यादा ठंडा है। इट्स 10 डिग्री है भाई, अब दिन में भी ठंडा होता है, मतलब दिन भर में गर्म हो जाता है, इतना ठंडा नहीं होगा ना अभी, समथिंग थोड़ा सा मतलब बाहर निकलने में भी हालत टाइट हो गई थी यार। थैंक यू सो मच। ओके, ये हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, सो काइंड ऑफ द होटल स्टाफ टू प्रिपेयर अ केक फॉर अस। ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड द केक लुक्स डिलीशियस। ब्रेकफास्ट लेना है भी नहीं लेना है? लेना है, ऐसा पे कर दिया तो लेना ही पड़ेगा। और एक और सरप्राइज है, हम लोग को रूम अपग्रेड कर दिया, ये स्वीट दे दिया, फैमिली स्वीट ना, फैमिली स्वीट है। और जब हम अंदर आते हैं तो एक स्पेशल सरप्राइज वो है ये, वाओ लुक एट दिस। और ये नोट ने मेरा दिल जीत लिया। डियर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, वार्म वेलकम। अभी तो हर जगह मिस्टर एंड मिसेस शर्मा रहेगा, ये मजा आएगा। और आपको व्यू बताता हूँ मैं, इसको जरा बाजू में रखता हूँ नोट को, प्यार ये तो मैं लेके जाऊंगा शायद, इसको रखना अपने पास, बिकॉज अभी क्या इनिशियल डेज है तो ये सब नोट बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप ये विंडो खोलते हो तो व्यू देखना भाई साहब, ये देखो ये जो बिल्डिंग है ये तंबूरा, हम लोग जब भी जाते थे भोपाल से इंदौर की तरफ हम लोग ये बिल्डिंग देखते थे, और हम लोग हमेशा सोचते थे क्या है, हम लोग को नहीं पता था कि ये शेरेटन होटल है, पैलेस लगता था, एक्चुअली पैलेस है। तो मैडम तो सोई है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोया, 7:40 इन द मॉर्निंग एंड डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेकफास्ट, सो ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इट्स अ प्योर वेजिटेरियन सो नो ऑमलेट फॉर मी, बट इट्स ओके, मैं डोसे से काम चला लूंगा, और थोड़े बेक बीन्स हैं तो प्रोटीन तो मुझे मिल ही जाएगा। अब प्रोटीन शेक भी अपन कैरी कर रहे हैं, ये खा के सीधा मैं सो जाऊंगा, तो गुड नाइट फॉर नाउ। बहुत सही डिसीजन लिया खा के सोने का, सीधा 8:30-9 घंटा सो गए, बहुत प्यारी नींद मिली, जितना अच्छा रूम है उतना ही अच्छा ये बेड है, और क्या नींद, नॉक्ड आउट ऐसे सोया, इतने सारे मिस कॉल थे, अभी उठ के बारी बारी सबको कॉल करेंगे और खाना ऑर्डर करेंगे और खा के फिर बाहर निकलेंगे, बिकॉज अभी भी दिन काफी निकला हुआ है, मुझे लगा था कि सीधा हम लोग रात में उठेंगे। अभी हमने हमारे गजराज भाई के साथ बहुत सारी फोटोज निकाली, आपने अभी तक इंस्टाग्राम में देख लिया होगा, नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम में जाके देखो, NNHHL। शाइनेस मैडम ने जो काफी बिजी है, काम कर रही है, फोन कॉल, बिकॉज आई के सामान आ गया है वो हमने कहीं और डिलीवर कराया, बिकॉज जब घर रेडी हो जाएगा तभी हम अपने घर में डिलीवर करा देंगे। हाइक ऑफिस याद आया, जो निक भाई साहब के लिए मैंने शूट किया था वो वीडियो जो है निक ने रिलीज कर दिया है, एक दिन पहले ही कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो बी यूनिक के चैनल पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ और जाके वो 17-18 मिनट का एपिसोड देखो, बहुत ही मजेदार एपिसोड है। शानिस मैडम अभी हल्का हल्का रो रही थी, मैं इसका फेस नहीं बताऊंगा, बिकॉज हमारा जो घर का पेंट जो है वो 80% कंप्लीट हो चुका है, इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और फर्नीचर भी जो एडिटिंग टेबल का लग गया है, तो शी इज लाइक ओ माय गॉड, दिस वन थिंग इज का इमेजिनेशन, ये वन थिंग इज कॉल्ड एज इमेजिनेशन कि कैसे लगेगा, और दूसरा इज योर इमेजिनेशन कमिंग टू लाइफ जस्ट द वे यू वांट। सर पे गिरा बिस्किट खा रहे थे ना, इसके गिर गया, सॉरी। तो मैं जब अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करता हूँ, लिटरली हम लड़कों को कभी, एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ द लड़के लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं पर भी ठहरे अनलेस अनटिल वी हैव आवर यू नो एक्सपेंसिव बाइक, थोड़ा बहुत पार्किंग देखना पड़ता है, अच्छा होटल देखना पड़ता है, वैसे तो सोने का किधर भी फर्क नहीं पड़ता, क्लीन रूम होना चाहिए, बट यू विल नेवर नो द वैल्यू ऑफ टू वॉशरूम, और शुड आई से टू वॉश बेसिन। ये एक वॉशरूम है जिसमें नहा भी सकते हैं इधर, और ऑफकोर्स बाथरूम उधर है बड़ा वाला जो कि शानिस ने कब्जा किया है, तो यू विल नेवर नो द वैल्यू ऑफ टू वॉशरूम अनलेस एंड अंटिल यू हैव टू वॉशरूम, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अ गर्ल। लड़के लोग एक बाथरूम, 4-5 लड़के लोग एक बाथरूम शेयर कर लेंगे, जब आप एक लड़की का ट्रैवल करते हो ना तो जब आपका 2 बाथरूम होता है ना तो उसकी वैल्यू ही कुछ अलग रहती है। लेट लंच और शुड आई से अर्ली डिनर विद माय पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर के निशाने में बताता हूं, ऑल्दो वो बोल रही थी खा ले मैंने नहीं, ये ना ये बात याद रह जाती है आगे जाके, तूने वो खाया था, चलो खाते, खुद की तारीफ करने में खाते हैं, खाते हैं हंगरी दिमाग, लेकिन खुद की तारीफ करने का तो बन गया, अच्छी पार्टनर की निशानी। मैंने क्या बोला था मैं कैमरे के सामने सब कुछ बोलूंगा भाई, ये लोगों दिखता रहता अपन कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो मैंने नहीं किया, हम लोग दोस्त से ट्रांसफॉर्म हुए हस्बैंड वाइफ में, अभी और ट्रांसफॉर्म हो गया आगे जाके कट्टर हस्बैंड वाइफ में, आई फील सो गुड व्हेन यू वेयर द रिंग, गिरा थोड़ा मुझे यूज्ड टू नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, सोने के टाइम निकाल दी थी मैंने, कुछ क्या है मेरे हाथों में मुझे जमता नहीं है, बट ठीक है। सनराइज नहीं देख पाए तो क्या हुआ, एक्चुअली सनराइज भी देख लेते लेकिन वो उस तरफ है तो यहाँ से व्यू नहीं मिलता, लेकिन जो सनसेट है भाई साहब, ये सनराइज से कुछ कम है क्या, ये देखो कितना ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अब यही हम लोग बाइक चलाते रहते यहाँ से, हमें ड्राइव करते रहते कितना खूबसूरत दिखता, लेकिन रूम से भी व्यू बहुत ही ज्यादा प्यारा है यहाँ से। आज सुबह कैसा मौसम था अभी देखो, अभी ना गर्मी है ना ठंडी है, और फोटो लेने के लिए परफेक्ट वेदर है, ये परफेक्ट लाइटिंग है, कहीं भी ओवर एक्सपोज नहीं है, तो शानिस मैडम को फोटो चाहिए, हम उसको फोटो देंगे बाद में, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, एक्सप्लोर करते हैं इसको यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज यही आज रिलैक्सिंग डे, आज कहीं बाहर नहीं जा रहे, कल से बाहर जाए, कल तो हमारी आइटिनरी खतरनाक है, भारी बात।
दिस इज अ काइंड ऑफ पूल कि आप अपने दोस्तों के साथ आना चाहोगे और पूरा टाइम पूल के अंदर ही पड़े रहना चाहोगे, लेकिन अभी जो वेदर है उसको मद्देनजर रखते हुए आई डोंट थिंक कि पूल में जाना पसंद करूंगा। आफ्टरनून में एक बार सोच सकते हैं, और यहाँ पर फोटोज बहुत ही ज्यादा प्यारी आ रही है। हाँ, नहीं अच्छा लगा, प्लीज मेरे शूज से स्टार्ट कर, कोई इतना फोटोग्राफी सिखा दी तो सीखता नहीं है। सर रास्ता है इंदौर भोपाल वाला कि हम लोग आगे भी बहुत बार करने वाले हैं, तो मैं शानिस को बोल रहा था, शानिस इफ इन द फ्यूचर वी टेक द सेम रूट टू गो टू प्रॉब्ली नेपाल और सिलीगुड़ी और वेरेवर ईस्ट, ये रास्ते से जाना पड़ेगा, यहाँ पर स्टे करेंगे बाइक में। हाँ। बाइक से आना कितना कन्वीनियंट रहेगा वो मुझे नहीं पता, बिकॉज इतने बड़े होटल में जब गाड़ी से एंटर करते तो लगता है चलो गाड़ी से आना चाहिए, बट जब बाइक आएगी तो बाइक का क्या रिएक्शन रहेगा मैं इन लोगों को जरूर पूछूंगा कि सर अगली बार बाइक में आएंगे तो सब है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब क्योंकि अब बाइक राइडिंग करेंगे तो चलते रहोगे लॉबी में थोड़ा वियर्ड लगेगा। एक्चुअली प्लान यही था कि हम लोग फर्स्ट जो ट्रिप करें मैरिज के बाद वो बाइक पे ही करें। मैं शानिस भी रियली वांटेड टू डू ऑन अ बाइक। 9 डिग्री पहुंच गया था, तो 9 डिग्री में हम जितना फास्ट आए हम लोग 7 घंटे में पहुंचे मुंबई टू इंदौर। दैट टू जब निकले थे तो काफ़ी ट्रक ट्रैफिक मिली थी, यही बाइक होता तो थोड़ा टाइम लग जाता, नॉट बिकॉज बाइक स्लो है, बिकॉज ठंडी में रुकना पड़ता बहुत बार। एग्जैक्टली। चाय कॉफ़ी ब्रेक के लिए धुआं अच्छा आया, तो मैंने बोला चलो उसमें स्लो मोशन शॉट ले लेते, अच्छा आया, बहुत अच्छा आया। ज़्यादा कहीं नहीं जा रहे, डीजल बहुत ज़्यादा कम था बिकॉज नॉन स्टॉप आया था और गाड़ी तेज चलाई थी, तो फ्यूल इकोनॉमी भी इतनी खास नहीं थी, सिर्फ 10 का दिया था और पेट्रोल डीजल फुल नहीं था। तो अभी नियरेस्ट डीजल पंप पे जाते भरा थे, बिकॉज कल का दिन बहुत लंबा होगा। मैंने शानिस को बोला मौसम काफ़ी ठंडा है, लेट्स गो आउट एंड डीजल भी भरा लेते हैं। और देखो बोल रहे डू यू वॉन्ट टू टेक अस, नो हमको पता है कहाँ जाना है, और फिर एक छोटी सी कॉफ़ी मारेंगे एंड दे विल कम बैक टू द होटल। एक्चुअली डीजे भाई को मैसेज किया है, लेट्स सी अगर फ्री रहेंगे तो मिल लेंगे उनसे, वो भी इंदौर में रहते हैं, और शोभित अभी दिल्ली में है, ही विल कम इन 2 डेज। हम लोग जल्दी आ गए, उसकी बहन की शादी एक हफ्ते पहले आ गए। कितने साल पहले आए थे याद है तुझे इधर? आई थिंक 2 इयर्स 3 इयर्स। 3 साल पहले आए थे यहाँ पे लेबल एमएन के लॉन्च के लिए, जब लॉन्च के पहले जा रहे थे जब वहाँ पे, तो जब लेबल एमएन के लॉन्च होने के पहले हम लोग यहाँ से जा रहे थे टाइगर में, थोड़ी गर्मी थी तो यहाँ पर हम लोग टर्निंग पे रुके थे और यहाँ पर हमने कॉफ़ी चाय पी थी। हम लोग सब थे बाइक में, गाड़ी में, गाड़ी नहीं थी ना, गाड़ी थी क्या, मुझे याद भी नहीं आ रहा इतना फील्ड में, इतना याद है कि यहाँ पर रुके थे तब और आज यहाँ पर आए, ऐसे ही बाहर घूम रहे थे वाला चलो बाहर जरा कुछ पीते, वो फील आता है ना होटल में रह रहे का फील नहीं आता है, इसके लिए बाहर और मौसम भी एक नंबर है बहुत। तो गाइज ये जो व्लॉग है यहाँ पर एंड करते हैं, अभी मैं होटल जाके जिम जाऊँगा और फिर अपना लेट डिनर करके सो जाएंगे एडिट करके। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, विद दैट सेड एज ऑलवेज शुक्रिया, विदा मा सलामा, टेक केयर एंड व्हाटएवर यू वांट ऑल लवली फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आने वाले जो 4-5-6 व्लॉग्स हैं और भी अच्छे लगेंगे, अच्छे तो लगेंगे और भी अच्छे लगेंगे। एडियोस अमिगोस, चीयर्स चीयर्स। मेरा तो खत्म हो गया तो पी नहीं सकता, तो एक्टिंग करनी पड़ेगी।